iVooMi कंपनी ने दो हैंडसेट्स इंडिया में लॉन्च किए हैं, Me3 और Me3S। ये है Me3S का रिव्यू और ये रिव्यू का पहला भाग है जिसमें मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और इस हैंडसेट के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है iVooMi Me3S का बॉक्स पैक। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, प्राइस भी मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस क्लियरली मेंशन किया हुआ है। 5.2 इंच के स्क्रीन के साथ में आता है, IPS स्क्रीन, 2.5D कर्व ग्लास, 720p रेजोल्यूशन और इस हैंडसेट की खास बात यह है कि ये शटर प्रूफ डिस्प्ले के साथ में आता है, वो हम बाद में चेक करेंगे। 3GB रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है, माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट करता है, क्वाड कोर पावर्ड है, 8MP का फ्रंट कैमरा है, 13MP का रियर कैमरा है, 3000mAh का बैटरी है। तो तकरीबन सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको बॉक्स के ऊपर मिल जाता है। चलिए बॉक्स को खोल देते हैं और देख सकते हैं बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये iVooMi Me3S हैंडसेट। इस हैंडसेट की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग अच्छी है, काले रंग का है मैट फिनिशिंग के साथ में और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये एंटीना का जो आउटलाइन है, आमतौर पर आपने देखा होगा काफ़ी स्मार्टफोन्स इसका इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर भी है लेकिन ये जो बॉडी है ये प्लास्टिक की है। तो मतलब ये जो एंटीना का जो डिज़ाइन है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप इसे खोलेंगे तो ये देखिए ये डिज़ाइन यहाँ पर है, तो सिर्फ ये जो किया गया है ये डिज़ाइन के लिए किया गया है, इसका कोई महत्व नहीं है। इस हैंडसेट का जो बैक कवर है इसे आप रिमूव कर सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक से बनी हुई है। ये डुअल सिम हैंडसेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप दो नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सार वैल्यूज़ भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। स्क्रीन जो है 5.2 इंचेस का है, 2.5D कर्व ग्लास है और 720p रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। ये जो स्क्रीन है ये शटर प्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल करता है। इसकी जो टफनेस है ये मैं रिव्यू के दूसरे भाग में चेक करूंगा। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर राइट हैंड साइड पर है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट ऊपर की तरफ है, उसके साथ में ऑडियो जैक भी है। लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ नहीं है और यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन मिलेगा और यहाँ पर है माइक्रोफोन। पीछे साइड पर है ऑडियो आउट, मतलब कि स्पीकर आउट वेंट। इस बॉक्स के अंदर आपको ये स्क्रीन गार्ड भी मिलता है और ये है यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। इस डिब्बे के अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर आपको मिलता है ये डेटा केबल, ये है USB टू माइक्रो USB डेटा केबल और देखते हैं और क्या क्या है। ये है रिमूवेबल बैटरी, 3000mAh का रिमूवेबल बैटरी, बस इतना ही। और इस डिब्बे के अंदर देखते हैं क्या है, इसमें है ट्रैवल चार्जर और ये आखिरी कंटेंट है। ये ट्रैवल चार्जर की रेटिंग है 5 वोल्ट्स 2 एम्प। अब इस हैंडसेट में मैं रिलायंस जियो सिम डाल देता हूँ और मैंने इसे सिम स्लॉट 2 में डाल दिया है। बैटरी भी डाल देता हूँ और उसके बाद में इस हैंडसेट को मैं स्टार्ट कर दूँगा। जब कभी आपको सिम चेंज करना होगा तो आपको बैटरी निकालना पड़ेगा। तो ये लीजिए बैक कवर मैंने लगा दिया है और हैंडसेट को मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये हैंडसेट वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करता है और यहाँ पर आपको बता दूँ कि वीडियो कॉलिंग आपको कॉन्टेक्स्ट से भी आप देखेंगे तभी आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर डायलर में आप देखें तो डायलर में वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा जो सर्कल है ये एक तरह से शॉर्टकट है, इसे टैप करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, इसका आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हैंडसेट पर जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्मूथ है। चलिए अब मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि सेटिंग्स में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिस्प्ले में आपको एडाप्टिव ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिलता है, 32GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है, 3GB रैम है, ये MediaTek क्वाड कोर पावर्ड है, एंड्रॉयड नोगेट रन कर रहा है और अगर सेंसर्स की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 सेंसर्स हैं, एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी। OTG सपोर्ट करता है और इस पर कोई भी LED नोटिफिकेशन नहीं है। कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है और जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी अच्छे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ एंगल्स से थोड़ा ब्लूइश टिंट आता है लेकिन ये ठीक है, इस प्राइस रेंज के लिए ठीक है। इस हैंडसेट पर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। कंपनी ने दो हैंडसेट्स लॉन्च किए हैं, iVooMi Me3 जो आता है 2GB रैम के साथ में, 16GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस के साथ में और इसमें आता है 8MP का रियर कैमरा। इसका प्राइस है 5,499 रुपये और ये जो हैंडसेट मैं
आपको रिव्यू में दिखा रहा हूँ। ये है Me3S जो आता है 3GB रैम के साथ में, 32GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस के साथ में, और इसमें आता है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, और इसका प्राइस है 6,499 रुपये। तो इस रिव्यू में इतना ही। रिव्यू के दूसरे भाग में मैं इसका परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी और बैटरी लाइफ, ये तीनों चेक करूँगा, और ये भी चेक करूँगा कि इसका जो स्क्रीन है शैटर प्रूफ, ये वाकई में कितना शैटर प्रूफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस रिव्यू के दूसरे भाग का इंतज़ार कीजिए। देखते रहिए।